तो गाइस जो भी आप गम का मेडिकल कराओगे आप प्राइवेट नहीं करा सकते, बिकॉज़ ये सिर्फ गवर्नमेंट जहाँ पे अप्रूव्ड है सिर्फ वहीं पे ही किए जाते हैं। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना कहाँ कहाँ पर है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो वीडियो जाके देख लेना। उसमें अब क्या होता है, जैसे कि अब काफ़ी लोगों का, मेरे एक मैनेजर हैं ठीक है, मेरे सर हैं, तो वो भी अभी साउथ ही जा रहे हैं, तो उनसे मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी। और आप में से बहुत सारे लोगों के, जो लोग देख रहे हैं, तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोलता है कि हमारे चेस्ट के अंदर स्पॉट दिखा रहा है गम का मेडिकल में, तो हमको अनफिट कर दिया गया। रोबस्ता जो कॉफ़ी है ना, उसका भी टेस्ट जो है डिफरेंट होता है। जितनी कॉफ़ीज़ पड़ी मेरे पास, 6 टाइप्स की कॉफ़ी है, 5 टाइप्स की कॉफ़ी अरेबिका है, ये छठी कली आई है केरला से, नॉट स्पॉन्सर्ड बट हाँ बता रहा हूँ रोबस्ता है। और वैसे तो मैंने काफ़ी बार पी है रोबस्ता, बट रोबस्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। खैर कॉफ़ी के बारे में कभी अपने, मेरा दूसरा चैनल है विपिन गुजला ब्लॉग्स, गाइस प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार उस चैनल पर जाके देखो, वहाँ पर ट्रैवलिंग फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर मैं इंडिया से कुवैत दुबई कहीं पर भी जाऊँगा तो उस वाले चैनल पर ही ब्लॉग आएगा, जाके देखो। अगर अच्छा लगे कंटेंट, आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट कंटेंट है, लाइफ स्टाइल, ट्रैवलिंग, फिटनेस और व्लॉग वगैरह आते रहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा करो सब्सक्राइब, सपोर्ट चाहिए यार, करो तो दिल सपोर्ट करना बस। पहले वो फ़ोन, घर वालों का फ़ोन आया, फिर उसके बाद बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल ऑल आई लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमने बोला था ना कि अब से कि हम एक नया नया शब्द सिखाएंगे, तो आज हम सिखाएंगे आपको कि चिकन को क्या बोलते हैं और श्रिम्प को क्या बोलते हैं। चिकन को बोलते हैं लहाम, लहाम, लहम भी बोल सकते हो, लहाम भी बोल सकते हो, ठीक है। और श्रिम्प को बोलते हैं रुबियान। तो जो भी होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन में जाना चाहता है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये नॉर्मली कंपलसरी नहीं है अरेबिक सीखना, बट हाँ अगर आपको अरेबिक आएगी, अगर आती है, तो भैया आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है इन फ्यूचर। अगर आप 5-10 साल के लिए सोच के रखो कि भाई गल्फ कंट्री में ही काम करना है, तो अरेबिक सीख लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे नए नए शब्द। ये तो थोड़ा बहुत बेसिक मुझे मालूम था, मुझे भी नहीं आती, बट सीख रहा हूँ कि अच्छी तरीके से सीख जाऊँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जो नॉर्मल मेडिकल होता है और गम का मेडिकल में सीन के, आजकल काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हैं, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने बात करी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब की वीडियोज़ में कमेंट किए हैं कि भाई कि हमारा गम का मेडिकल हुआ है चेस्ट में, खासकर चेस्ट में जो है स्पॉट आया है, तो हमको अनफिट कर दिया गया। तो उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँगा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो सब कुछ बताऊँगा। वीडियोज़ को पूरा देखना, वीडियो का लाइक का टारगेट भी हम कर लेते हैं यार 200, अच्छा लगता है जब भी आप लाइक करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो नॉर्मल मेडिकल होता है ना, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा और क्या क्या चेक होता, क्या क्या चेकअप होते हैं वो भी बताऊंगा। जो नॉर्मल मेडिकल होता है उसमें आपका सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे HIV, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जिसमें ब्लड टेस्ट के अंदर आपके HIV देखा जाता है, डायबिटीज़ हो गया, या जितनी भी मतलब और भी 7-8 तरीके के चेक्स होते हैं, वो पूरा ब्लड सैंपल आपके लेते हैं, देखते हैं सारे चेकअप सब कुछ ठीक ठाक है। फिर होता है आपका यूरिन टेस्ट भी होता है, ठीक है। फिर आपका चेस्ट भी देखा जाता है, चेस्ट में, चेस्ट का जो एक्सरे होता है, चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो भी देखा जाता है, प्लस में आपका आई टेस्ट भी होता है। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई हमारे चश्मा लगा हुआ है तो क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। गाइस देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो अब जब भी आपका IQ टेस्ट होता है ना, तो उसमें एक तो वो दूर वाला जो लिखा रहता है ना कि नंबर, वो अल्फाबेटिकली लिखे रहते हैं, तो उसका टेस्ट होता है, प्लस में किताब दी जाती है, वो डॉक्टर सामने बैठा रहेगा तो किताब में वो बदलता रहेगा और देखता रहता है। तो पास और नज़र, पास और दूर का टेस्ट होता है, वो आप देख लेना कि आपकी आँखें कितनी कमज़ोर हैं, तेज़ है, वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया हम माल वाल फूकते हैं, बीड़ी पीते हैं, क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो गए शायद मैं इतना नहीं बोलूँगा कि, बट हाँ देखो आप ये सब चीज़ें टेस्ट हो रहे हैं, तो ये टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि आप जिस भी काम में जा रहे हो, चाहे मैनेजर में जा रहे हो, वेटर में जा रहे हो, कारपेंटर में जा रहे हो, जिस भी काम में जा रहे हो, तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपको किसी भी टाइप की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि जो लोग स्मोक करते हैं तो वो अनफिट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, मैं अब उसको भी प्रमोट नहीं कर रहा, बट स्मोक इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, क्यों करते हो मत, क्या करो यार, ठीक है, ठीक है, कभी कभार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट मतलब रेगुलर बेस पे लोग कुछ भी खा पी रहे हैं तो ऐसा मत करो, आगे मर्जी आपके, भैया आपकी लाइफ है, मेरा तो काम है बताना, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया नॉर्मल मेडिकल, कि गम का मेडिकल में क्या होता है। गम का मेडिकल का जो प्राइस है, मैंने एक वीडियो बनाई है प्री मेडिकल और गम का मेडिकल की, मैं यहाँ डाल दूंगा, तो उसमें देख लेना क्या सिस्टम होता है, ठीक है, अच्छे से। अब मैं गम का मेडिकल में जो टेस्ट होता है, देखो अगर नॉर्मल मेडिकल में जो आपके चेस्ट में थोड़ा बहुत भी स्पॉट आएगा या कुछ भी होता तो उतना नहीं होता, लेकिन गम का मेडिकल में एक्स्ट्रा मतलब देखा जाए तो
अच्छे से जांचा जाता है, मतलब अच्छे से पूरी एक एक चीज़ को देखा जाता है कि भाई इसके जो ब्लड टेस्ट हम उसमें भी सारा चीज़ें ये होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, प्लस में IQ टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट उसमें होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है ना, जैसे आप आपके जो ब्लड वाले टेस्ट होते हैं उसमें पूरा एक एक चीज़ माइक्रो चीज़ होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखा जाता है, इसलिए वो गम का मेडिकल बोला जाता है वो, बिकॉज वो सारी रिपोर्ट्स वहाँ पर जाती है कंपनीज में, वीज़ा ऑफिसेज में, तो वो सारी चीज़ें जाती हैं, तो इसलिए वो ढंग से देखा जाता है। और ये कोई प्राइवेट तरीके से आप नहीं करा सकते हो कहीं, तो गैस जो भी आप गम का मेडिकल कराओगे आप प्राइवेट नहीं करा सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ गवर्नमेंट जहाँ पे अप्रूव्ड है सिर्फ वहीं पे ही किए जाते हैं। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना कहाँ कहाँ पर है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो वीडियो जाके देख लेना। उसमें अब क्या होता है, जैसे कि अब काफ़ी लोगों का, मेरे एक मैनेजर हैं, ठीक है, मेरे सर हैं, तो वो भी अभी साउथ ही जा रहे हैं, तो उनसे मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, और आप में से बहुत सारे लोगों के जो लोग देख रहे हैं, तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोलता है कि भाई हमारे चेस्ट के अंदर स्पॉट दिखा रहा है गम का मेडिकल में, तो हमको अनफिट कर दिया गया है। जब गम का मेडिकल का अनफिट हो जाता है तो 3 महीने तक आप दोबारा मतलब नहीं करा सकते, 3 महीने के बाद फिर आपको गम का मेडिकल फिर से कराना पड़ता है। लेकिन वो स्पॉट क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्या पता आपके जब भी उनको टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें से छोटा सा भी उनको स्पॉट दिख गया, हल्का सा भी एक बिंदु का भी स्पॉट दिख गया, समझ लो ना, एक मिरर है वो क्लीन होना चाहिए, अगर उसमें हल्का सा भी स्पॉट दिखा, वाइट कलर है, ब्लैक कलर का स्पॉट, तो तुरंत आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो गम का मेडिकल का ऐसा सीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बीमारी है, क्या पता आप उस मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं कि भाई एक बार आप दोबारा वहाँ पे चेक करा लो, या उसी चीज़ को आप दोबारा किसी प्राइवेट भी करा के देखो, तो ऐसा सीन होता है। एक बार मेरा भी हुआ था, ठीक है, फिर से मैंने कराया था, लेकिन मेरी एक बीमारी बताई गई थी गम का मेडिकल में, हाइपोथ्रेसिस, पता नहीं कौन सी बीमारी थी, वो बीमारी को मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उस बीमारी में, मेरे को इंग्लिश में तो पता नहीं नाम नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता था क्योंकि जब मैंने गूगल वूगल करके देखा कि आपके जो पैर है ना वो हाथी का पैर, कुछ ऐसी ही कोई बीमारी होती है, आप करके देखना, आई डोंट नो। अब काफ़ी लोग हंस भी रहे होंगे इस चीज़ पर, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ वो एक बीमारी होती है, वो आपका जो पैर है ना हाथी पैर बोला जाता है। तो मैंने कहा भाई ये कौन सी बीमारी हो गई, कैसी बीमारी लग गई, मैं तो होपलेस हो गया था, बिकॉज मैंने कहा यार मतलब हम जिम विम करते हैं और इतना प्रॉपर मैं ध्यान देता हूँ डाइट के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, मतलब मेरा ये कैसे हो गया, मैं भी वो हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि भैया उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आप दोबारा एक बार और चेकअप करा लेना, तो उसमें क्या पता ठीक हो जाए, तो उन्होंने पैसे लिए थे, क्या पता ये उनका एक नया तरीका हो, धंधा हो उनका पैसा कमाने का, मे भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट हाँ, छोटी छोटी चीज़ों, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी हल्का सा एक स्क्रैच भी कुछ होगा ना आपके चेस्ट के उसमें, तो आपको सीधा अनफिट कर दिया जाएगा, आपका जो भी ब्लड उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो मेडिकल जो है गमका का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आप ठीक रहोगे, लेकिन डिपेंड करता है कि उन लोगों ने जो बंदा जांच रहा है, जो चेकअप कर रहा है, तो सब कुछ उसके ऊपर होता है। वैसे इतनी घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अब भैया किस्मत की बात होती है, अगर किस्मत अच्छी होगी तो आप क्या पता फिट कर दी जाए, नहीं तो 3 महीने के बाद फिर से चेकअप कराओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक होता है, भगवान का नाम लेके जाओ, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी। आई होप कि वीडियो अच्छी ज़रूर लगे, टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। कैसी लग रही है अभी बता रहा हूँ क्या।